सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट वन पे मैंने येस बैंक स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी कैश मार्केट पे 55.50 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 56 है, स्टॉप लॉस आपको 57 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 54 एंड सेकेंड टारगेट 52.50 पे रखना है। अगर आप येस बैंक का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 52.50 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 53.20 है, स्टॉप लॉस आपको 54 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 51 एंड सेकेंड टारगेट 49.50 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट वन के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट टू पे मैंने एसपीए स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटर कैश मार्केट पे 319 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन ले सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 320 है, स्टॉप लॉस आपको 323 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 315 एंड सेकेंड टारगेट 311 पे रखना है। दोस्तों, अगर आपको एसपीआई का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है, 318 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 319.50 है, स्टॉप लॉस आपको 322 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 314 एंड सेकेंड टारगेट 310 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट टू के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने M&M स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी कैश मार्केट पे 510 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 510.20 है, स्टॉप लॉस आपको 514 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 506 एंड सेकेंड टारगेट 502 पे रखना है। अगर आप M&M का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 512 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 512.90 है, स्टॉप लॉस आपको 516 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 508 एंड सेकेंड टारगेट 504 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट थ्री के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फोर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट फोर पे मैंने एचडीएफसी स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी कैश मार्केट पे 2250 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 2264.65 है, स्टॉप लॉस आपको 2266 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 2234 एंड सेकेंड टारगेट 2218 पे रखना है। अगर आपको एचडीएफसी का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है, 2258 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 2272.40 है, स्टॉप लॉस आपको 2274 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 2242 एंड सेकेंड टारगेट 2226 पे रखना है। दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने इच्योर मोटर स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो इक्विटी कैश मार्केट पे 20,700 पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 20,920 है। तो जो भी स्टॉक नीचे की तरफ आएगा 20,700 के आसपास, आप आपकी शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 20,950 पे रखना है, फर्स्ट टारगेट 20,450 एंड सेकेंड टारगेट 20,200 पे रखना है।
दोस्तों अगर आप इचर मोटर का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो 20,950 लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 21,049.60 है। स्टॉप लॉस आपको 21,100 पे रखना है। फर्स्ट टारगेट 20,600 एंड सेकेंड टारगेट 20,350 पे रखना है। दोस्तों ये था ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस और ये पांचों स्क्रिप्ट के अंदर मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे मूवमेंट करने वाले हैं उनका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 11,949.50 है। तो जब ये निफ्टी फ्यूचर इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा 11,930 लेवल के आसपास आप इस पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 11,970 पे रखना है। फर्स्ट टारगेट 11,890 और सेकेंड टारगेट 11,850 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानने से पहले मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक सेफ हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई सेफ हेजिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो दोस्तों आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन पे बनाया है और हेजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये स्ट्रैटेजी महीना में 10-15% के आसपास आराम से रिटर्न दे देता है। और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी पे जो मैक्सिमम रिस्क आ रहा है वो 3-5% के आसपास, वो भी बहुत रेयर सिनेरियो में। लेकिन जो नॉर्मल सिनेरियो में जो रिस्क आता है वो 1% से भी कम है और जो प्रॉफिट आ रहा है 2-6-7% तक भी प्रॉफिट आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम हमेशा नेट नेट प्रॉफिट पे ही रहते हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को लिए है और लाइव मार्केट में यूज करके इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं दोस्तों उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैंने 8 मंथ से कंटिन्यूअसली लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने जो भी सारे ट्रेडिंग किया है उसका रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए 1 लाख के आसपास कैपिटल की जरूरत है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप इस स्ट्रैटेजी पे आराम से काम कर सकते हो। और देखिए स्ट्रैटेजी के माध्यम से मई मंथ से 18% के आसपास इस पे रिटर्न आया था और जून मंथ पे स्ट्रैटेजी 17.80% के आसपास रिटर्न दिया। दोस्तों जुलाई पे 13.04% के आसपास रिटर्न आया था और अगस्त मंथ पे 16.30% के आसपास रिटर्न दिया। सितंबर मंथ पे स्ट्रैटेजी पे 14.57% के आसपास रिटर्न आया था और दोस्तों पहली बार अक्टूबर मंथ पे स्ट्रैटेजी पे लॉस आया था जो कि 5.4% के आसपास था। और देखिए नवंबर मंथ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव कर रहा था, फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 11% के आसपास ये स्ट्रैटेजी रिटर्न दिया है। और दोस्तों अभी दिसंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है तो देखिए दिसंबर मंथ पे ये जो 4-5 दिन से जो भी मैंने ट्रेडिंग किया है ये अभी तक कैपिटल का 1.2% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है जो कि 12,000 का प्रॉफिट है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और इस सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये महीना में 10-15% के आसपास आराम से रिटर्न दे देता है। अगर आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपका कभी भी बड़ा नुकसान आएगा ही नहीं और आपको हर महीना एक डिसेंट इनकम मिलता जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है और ये चैनल आर्ट पे भी मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो ये व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट मार्केट प्राइस है 31,398.95 है। अगर आपको ये बैंक निफ्टी फ्यूचर पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है, जब भी बैंक निफ्टी फ्यूचर इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा और 31,350 लेवल के आसपास आ जाएगा, इसी लेवल के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 31,500 लेवल पे रखना है।
फर्स्ट टारगेट 31,200 एंड सेकेंड टारगेट 31,050 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके सोमवार को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.